बस यहाँ बस करते मेरा क्यों हो गया अपनी लेडीज है अपनी लेडीज है अपनी लेडीज है बस यहाँ बस करते मेरा क्यों हो गया अपनी लेडीज है अपनी लेडीज है ये सच है ये करप्ट है आप सबसे बड़ी करप्ट है आपने बात की है इसको डिफेमेशन में मैं अदालत में आपने जाना आप करप्ट है साबित करूंगा अगर ये साबित करूंगा आप करप्ट है आपने पुलिस में करप्शन नहीं किया आपने करप्शन नहीं किया आपने सेल्फ कोर्ट में करप्शन नहीं किया आपने शर्म आपको करप्शन किया मैं किस बात पे शर्म कर रहा हूँ मैं तो आपको पढ़ने दिखा रहा हूँ मैं तो आपको पढ़ने दिखा रहा हूँ आप करप्ट हो आपका पूरा टोला आपने तमाशा लगाया एक मिनट रुको ये देखें करप्शन के अमाम में गोते का रहे हैं एक मिनट शर्म कर आनी चाहिए हुकूमत में लीजिए आपके अंदर आपने किस पार्टी की हुकूमत किसी वजह से छोड़ी थी तुम्हारी हुकूमत आप इस वजह से आपको जरा किसी ने अदला से हटा दिया किसी वजह से छोड़ी मैं तो अभी भी वजीरे थे आपको यहाँ बैठा दिया मैं तो अभी भी वजीरे थे आप क्या जानी हो तुम रे जान की तेल लिया गया मैं तो अभी भी वजीरे थे एक मुंदो यहाँ भी आपकी कहानी लिखी मैं तो अभी भी वजीरे थे आपने चैनल एरवाइ ने कहा कि 10% का मांग दे देने उनको कैसे आप चौधरी ने कान के बारे में एक आपके बारे में ये भी झूठ है वो चौधरी ने जगह से एक बोल मैं आपको झूठ बोल रहा है मैं आपको बताता हूं मैं आपको गलत बकवास कर रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं मैं एक फजूल बकवास कर रहा मैं सही बात की हुकूमत इनकी है क्या इसकी औकात क्या है औकात तुम्हारी क्या है क्या है क्या होगा करप्शन की बात क्या औकात है लेडीज होने का इधर है जावेद चौधरी के एक्सप्रेस टीवी पे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के एमएनए कादर मंदोखेल ने मुसलसल मेरे खिलाफ फोर्स जबान इस्तेमाल की वक्फे के दौरान मुझे और मेरे वालद साहब को नंगी और गलीज गालियाँ दी और जिस तरह से मेरे मरहूम वालद के हवाले से इसने नाजेबा कलामात अदा किए और मुझे ना सिर्फ अब्यूज़ किया थ्रेटन किया और हरास किया और धमकियाँ दी और मंदोखेल की इस बदकलामी और बदजबानी की वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा क्योंकि मेरी सियासी साख और इज़्ज़त दाव पे लगी और जो वीडियो लीक की गई ये सिलेक्टिव वीडियो लीक हुई और मैं चाहूँगी कि ये मुकम्मल वीडियो लीक हो ताकि अवाम तक ये हकायक पहुँचे कि उसने किस तरह से मुझे इस इंतहाई कदम पे मजबूर किया लिहाजा मैं अपने कानूनी माहरीन के साथ मशावरत के बाद ये फैसला करूँगी कि मुझे 62-63 के तहत मंदोखेल के खिलाफ ना सिर्फ वुमन हरासमेंट बल्कि डेफामेशन के केस के हवाले से भी अपनी तरजीहात तय करनी है और कानूनी चारा जोई करना मेरा हक है और मैं उसको प्रवेकार लाऊंगी।